वेलकम बैक टू दी ओवर पावर लाइट दी एडवांस वर्जन ऑफ ओवर पावर गेमिंग। देखो मेरे आवाज पे ध्यान मत देना क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से मेरी आवाज भी खराब है। मैंने बहुत सोचा एंड बहुत सोचने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि हमारे जो सेकंड चैनल इसे अपन एंटी गेमिंग चैनल करके घोषित करते। एक मिनट, एंटी गेमिंग नहीं, एंटी गेमिंग ANTI मतलब कि यहाँ पर दिन भर सिर्फ मगज मारिया एंड बावले चले हो गए, वो भी गेमिंग के बाहर। उनमें से एक है मेम रिव्यू। अपने सही अनुमान लगाया, आज हम मेम रिव्यू करने वाले एंड इसलिए हम हमारा आज का वीडियो डेडिकेट करते मिस्टर दी ग्रेट सैल्मन बॉय को। आपको तो पता ही होगा कि कैटरीना कैफ एंड विकी कौशल भैया जी का शुभ विवाह हो चुका है। ये बात अलग है कि शादी में कुछ गिने चुने मेहमानों को इनवाइट किया गया था, लाइक कुछ सेलिब्रिटी स्टार्स, मंत्री संतरी एंड फैमिली मेंबर्स। साला उनको भी कार्ड के बिना परमिशन नहीं थी। देखो दुख मुझे भी हुआ है आप सारे देशवासियों की तरह ही, एंड सगमा मुझे भी लगा है, बट कैटरीना की शादी की वजह से नहीं, उन सभी शादियों की वजह से जो कोरोना काल में साइलेंटली निपटा दी गई है। खैर, आप अमीर लोग क्या जानोगे शादी के फायदे, शादियों में जाने के फायदे। सारी तरफ चकाचौंध जो रहती है, बट हमें चकाचौंध से मतलब नहीं है, हमें बस खाने से मतलब है। तो बस वही निवाले छीन लिए गए हैं हमारी मुंह से कोरोना की वजह से। छोचो, खैर इसका नाम क्यों ले रहा हूँ मैं, वाहियात कोरोना। छोड़ो, हमारा दुख खत्म हो या ना हो, पर किसी का तो खत्म हुआ। मेरा मतलब विकी कौशल भैया से, साला उनका ही दुख खत्म नहीं हो रहा था, पर अभी फाइनली हो चुका है। सच सच बताओ, किस किस को ये लगता है कि कैटरीना के साथ शादी के बाद अब तो विकी कौशल भैया की फिल्मी लाइफ खत्म है? मतलब ये मेरे कहने नहीं है, बाकी और लोगों के कहने एंड उनकी तरह आपके भी कहने यही है तो कमेंट में मुझे बता दो। सो छेड़ो, छोड़ो सब बातें, हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। एंड आज का हमारा टॉपिक है कैटरीना एंड विकी की शादी, सॉरी वो लोग बड़े मेरे से, मतलब कि कैटरीना आंटी एंड विकी अंकल के शादी के ऊपर जो कि मेम्स बने हैं, वो सब हम आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले। हैरियत की बात ये है कि हैरियत ही बोलते हैं ना, छोड़ो जो भी बोलते हो, शादी तो इन दोनों की हुई है, बट मेम्स बने हैं हमारे बेचारे सलमान अंकल के ऊपर। कोई बात नहीं, मेम किसी के भी ऊपर बने हो, हमें तो बस रिव्यू करने। ब्रेकिंग न्यूज़, शादी के मंडप से सलमान खान हुआ कैटरीना कैफ को लेकर फरार, विकी कौशल का हुआ रो रो कर बुरा हाल। हेलो, आई थिंक एक तो टाइगर का कोई तो सीन है एंड पब्लिक कुछ भी बना देती है यार, पब्लिक बांड है भैया। बाय द वे नाइस मैम, एंड सोचो अगर ऐसा सच में हुआ होता भाई, अगर ऐसा हुआ होता तो विकी खुद की चूड़ियाँ फोड़ लेता। ओके वन अगेन, एंड बॉलीवुड ओरिजिनल्स कंप्लेंट फील्ड अगेन विकट। भाई वो जो है ना विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा का, विरुष का, लाइक मेनी मोर सेलिब्रिटीज़ का भी है, तो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फील किसने की है तो मुझे पता नहीं है, बट ये मुझे सिद्धू पाजी की तरह क्यों लग रहा है। देखो भाई, मैम तो मैम है एंड ये कंप्लेंट का क्या लोचा ये मुझे पता नहीं है, पर मुझे कोई ये बताएगा कि यहाँ पर सिद्धू पाजी क्या कर रहे हैं? मतलब वो देख भी तो ऐसे रहे कि जैसे मानो सर पे टपली मारने वाले गुस्से में। अनदर वन, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट विकी कैटरीना वेडिंग, ट्रोलिंग सलमान खान एज ही वाज हर एक्स बी अभी। ये कब हुआ भाई? एंड इन रियलिटी सलमान भाई डोंट गिव अ, ये क्या लिखते हैं भाई लोग, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। ये स्टार क्या क्या मतलब होता है मुझे समझा दो यार कोई कमेंट्स में। टू दिस वेडिंग ठीक है, सो नाइस मैम। भाई ये मैम जिसने भी बनाया है वो सलमान भाई का मुझे फैन लगता है, क्योंकि देखो आप ओहो, छोटी कमली ने त्याचा बदला घेतला, जिनको मराठी समझ में आती नहीं मैं उनको समझा देता हूँ कि आखिर कमली ने उसका बदला ले ही लिया। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि संजू बाबा ने कमली के साथ कमली की गर्लफ्रेंड के साथ गणपति बप्पा को उल्टा करके क्या किया था। एंड आपको ये भी अलग से बताने की जरूरत नहीं रही है कि सलमान भाई अकेले ऐसे इंसान नहीं है जो कि मेम्स के शिकार हो रहे हैं, कोई और भी है। सलमान खान इज अ बिग हार्टेड मैन, सलमान खान बॉडीगार्ड बीइंग शेराज पर्सनल टीम टू गार्ड विकी एंड कैटरीनाज वेडिंग। ओके, मतलब उनको गार्ड करने नहीं गई थी, उनके वेडिंग को गार्ड करने गई थी। ठीक है, सो बट ये कब हुआ? ओके, हो सकता है मुझे नहीं पता, पर कोई मुझे ये बताएगा कि तब सलमान खान भाई का कौन गार्ड कर रहा था? ओके अगेन एक मराठी मेम, सॉरी मी कास्टच्या बाहेर लग्न नाही करणार, देव करो आणि तुझं लग्न तुझ्या कास्टमध्ये पण हो। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि समझा तो होगा आपको, पर फिर भी बता देता हूँ कि सलमान भाई बोलते हैं कि मैं मेरे कास्ट के बाहर की लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। एंड नीचे जो लाइन लिखी हुई है, मतलब दी हुई है, उसमें ये लिखा है कि भगवान करो, मतलब कि भगवान करे ऐसा कुछ करे कि तेरी शादी तेरे कास्ट में भी ना हो, चाहे चाहे गावत हिंदी मराठी चलोचे। ओके, दुख खत्म हो गया रे, ओहो नाचो रे, सॉरी मेरे आवाज़ नहीं निकल रही है, नाचो रे।
हाँ इसे आवाज में बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं निकल रही है तो। सच बता रहा हूँ यार, मेरे मुंह का स्पीकर फट गया है, मतलब मुझे सर्दी हुई है एंड उसकी वजह से मेरा आवाज भी चेंज हुआ है। ओके ओके, इग्नोर इट एंड यहाँ पर फोकस करो। तो कतरीना के बाद सलमान भाई का नया टारगेट आपके स्क्रीन पर है, देख लो एंड एंजॉय कर लो। ये प्यारा सा बच्चा किसका है भाई? ओके कोई बात नहीं, नॉटी खंदेश, शाउट आउट टू नॉटी खंदेश। नेक्स्ट मैम, आफ्टर विकेट्स वेडिंग व्हाट चिंटू मेमर्स आर थिंकिंग सलमान खान इज बीइंग, मीन वाइज सलमान खान इज इन सऊदी अरेबिया। पता नहीं बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ये वाला वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। देखो मैंने ये मेम्स पहले भी देख चुका हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है, पर आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होगे। विकी कौशल एंड कतरीना कैफ गॉट मैरिड, आप और मैं यहाँ पर बीच में बैठे हैं कैरी मिनाटी बनके एंड सलमान बॉय और रणवीर कपूर भी यहाँ पर है। ओके रणबीर कपूर बाय द वे, वेल मैम एंड शाउट आउट टू BBKE मेमर्स, आई मीन मेम्स। ये कौन है, ये क्या है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओ ठीक है, तो शादी चल रही है, फेरे चल रहे हैं एंड सलमान खान खुद के बॉडीगार्ड शेरा के साथ वेडिंग अटेंड करने पहुंच चुके हैं, वो भी टिपिकल जो सूट बूट होता है उसमें। एंड बाकी कुछ करो ना करो, विकी भाई का चेहरा नोटिस करो कि वो कैसे चिढ़ा रहे कि देख 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 तेरी वाली उठा लाया। सच बता रहा हूँ दिल से कॉमेडी नहीं निकल रही आज, कुछ सूझ नहीं रहा है, बट आप एंजॉय कर लो यार फिर भी वीडियो, मतलब देख लो यार छोड़ो। नो वन वॉइस एट वेडिंग, ये सही है भाई ये सही है। ये बिल्कुल हमारे कतरीना कैफ एंड विकी कौशल की शादी की बाहर का मेम है, इसमें सलमान खान भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, बट हमारे एक प्रिय कलाकार जो कि अमरीश पुरी जी है वो यहाँ पर इस चित्रण में है, आई मीन चित्र में है, जो कि लड़कियाँ ताड़ रहे हैं एंड बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ ताड़, कुछ आंटियाँ भी है आई थिंक उसमें एंड उनको ताड़ रहे। पर देखो मेरे सारे भाइयों, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बात भनी वे में लेने के हिसाब की नहीं है, यहाँ पर हमारे सारे की सारी बॉयज़ की कॉम की इंसल्ट हो रही है। हम ऐसा करते हैं शादियों में जाके लोगों की लड़कियाँ ताड़ते हैं, हम भाई खाना खाने के लिए जाते हैं और आजकल तो वो भी नहीं नसीब में, खाना बोल रहा हूँ मैं, खाने की बात चल रही है यहाँ पर। लड़कियाँ ताड़ने के लिए नहीं जाते भाई, लड़कियों में कोनो इंटरेस्ट नहीं चाहिए हमको, हमको बस खाने में इंटरेस्ट है। सच बता रहा हूँ मेरा एक भी शब्द झूठा नहीं है, हम एक तो शादी में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए और खाने पे हमारा सारा का सारा ध्यान होता है, बाकी दुल्हा दुल्हन जाए भाड़ में और आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, यार ऐसा नहीं चलता भाई, ऐसा नहीं चलता। ये मैम किसने बनाया, ये मैम वाले का नाम बताओ यार मेरे को, मैं तो श्योर हूँ ये मैम बनाने वाली कोई तो लड़की है। आता है कुनी किलो, मतलब अभी ये किसने किया, बाकी सब ठीक है एंड ये बिल्कुल ही बैड मैनर है सलमान भाई। मैंने आपको पिछली हमारी मुलाकात में भी बताया था कि शादी हो रही है, अब उसको कौन क्या कर सकता है भला, हम हमारी लाइफ जिएंगे, बहुत सारी हीरोइंस पड़ी हुई है, नई आती है नई जाती है, नहीं आती है पुरानी जाती है, जो किया वो किया, कम से कम हमारे भाई का मुंह तो गोरा करते, काला मुँह करने की क्या ज़रूरत थी भाई। एंड मैंने भाई को पहले ही बता दिया था कि किसी की सुहागरात के दिन उसके रूम में जाना बैड मैनर है यार। वेल गए तो गए, धोती पहन के जाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है धोती पहन के भी गए पर कबड़ के ऊपर जाके बैठने की क्या ज़रूरत थी भाई, ऐसी क्या आन पड़ी आप पे, गूगल क्रोम पे जाके एंजॉय कर लो ना। ओके कन्वर्सेशन बिटवीन कतरीना एंड सलमान, सुनो ना आई लव यू, अगर मैं भी तुमको लव यू टू बोलूँ तो मैं तो खुशी से मर जाऊँगी, नहीं बोलता जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अच्छा अभी समझा भाई इन दोनों की शादी क्यों हो रही है, अरे यार क्या ज़रूरत थी भाई खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने की, ठीक है जान दो छोड़ो। देखो किसने ये पोस्ट डाला है एंड उसके नीचे लिखा है कि ये दोनों बच्चे गुम हो गए, किसी को मिले तो बताना। कोई ये भी बोल रहा था कि ये भागकर शादी करने वाले हैं, अगर किसी को शादी के जोड़ों में दिखे तो भी बताना। और एक बुजुर्ग ये भी कह रहे थे कि शायद अभी बच्चे की दाढ़ी भी आ चुकी होगी, क्योंकि बच्चा बचपन से ही वैसलीन अपनी दाढ़ी पे लगाता था, बचपन से नहीं डेली लगाता था। ठीक है शादी किसी से भी करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, जिंदगी भर सलमान की एक्स के नाम। ओके बहुत हार्ड मैम, ठीक है। एंड ऐश्वर्या जी कह रही है कि उस रेगा वैन, ये क्या है, ये इसका मतलब क्या अर्थ होता है उस रेगा का, ये क्या मतलब लिखना क्या चाहता था ये मेमर, आई थिंक उसको जो लिखना था वो नहीं लिख सका वो मैम, तो एकदम फंटेस्टिक है एंड समझ में तो आया मैम, बट ये जो छोटा सा बक्सा है उसमें सफ़ेद कपड़ा पहन के ऐश्वर्या जी बैठी हुई है, उसके नीचे क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, अगर किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। इतना मायूस मुंह करके विकी कौशल जी रो रहे हैं, कतरीना की शादी मेरे साथ हो रही है और चर्चे सलमान के है। भाई इसलिए बोलता हूँ कि शादी सिर्फ अपनी वाली से ही करो, क्योंकि चर्चे किसी और के होते ये अलग बात है, पर बीवी सेकंड हैंड मिलती ये मेन बात है। आज की शादी का ये फोटो हो रहा है वायरल एंड फोटो में जो महानायक खड़े हैं उनके नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके बीच में एक महानायकिन भी खड़ी है उसका नाम भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप समझदार हो जाने। भाई वो पार्टी की तैयारी में कुछ
काम का जो कुछ जरूरत हो तो बोलना मुझे, मैं फ्री हूँ। किसी को कार्ड बार्ड देना हो, रह गया हो तो मुझे बोलना, मैं दे आऊंगा। बोला ना, हमने लिस्ट बनाया था और हमने उस हिसाब सबको कार्ड दे दिया है, कोई भी बाकी नहीं रह गया। कोई भी बाकी रह गया होगा तो कैटरीना नहीं बुलाना चाहती होगी। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द काफी है कि गजब बेइज्जती। बाकी ये मस्त एडिट किया है, किसने किया? अरे सच में यार, तारीफ करनी पड़ेगी। ये सिर्फ लेजेंड लोगों को ही समझेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि आप समझ लो, क्योंकि आप लेजेंड होगे तो समझ जाओगे, नहीं तो फिर सबसे पहले शॉर्ट आउट फॉर दिस मैम आईचा गावत बाराचा बावत। ओके, जाके इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लो, अच्छा पेज है, मैम भी अच्छा है। देखो इन सभी मैम्स के ऊपर मैं अगर मेरे फर्स्ट इंप्रेशन दे सकता तो मुझे और भी अच्छा लगता, बट खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि जो प्योरिटी है मेरे एक्सप्रेशन की वो आप तक पहुँचती, एंड फेस कैम भी अगर मैं करता तो मुझे बहुत खुशी होती। पर बाकी एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सभी मैम वालों से कि सलमान भाई का हर जगह पर काला मुंह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ जगह पर आप उसे गोरा भी कर सकते हो। एवरीबॉडी, सबके सब चोर है साले। पहले पिक में भी समझ आया, दूसरे पिक में भी समझ आया, पर ये तीसरे पिक वाला कौन है? एंड इसे मैं पहचान नहीं सका, कौन है यार? कमेंट में बता देना यार प्लीज़। बाकी कुछ बताओ या ना बताओ, ये वाला जो मैम है, इसके जो थर्ड पिक्चर में जो भी आदमी है उसके साथ जो औरत है, इन दोनों के भी नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन है। अरे अरे अरे, रुको, अरे याद आया, ओके, अरे वो साला यही है ना, वो जो किसी केस में आई थिंक अरेस्ट हुआ है, एंड ये तो जैकलिन है भाई, जैकलिन है तो, एंड जैकी को भी अरेस्ट कर लिया है कुछ, आई थिंक कुछ तो मामला था, मैंने डिटेल में मुझे नहीं पता, बट कुछ तो मामला था एंड जैकी को भी अरेस्ट कर लिया है। आज मिल गई मेरी आत्मा को शांति, हिरण बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सलमान भाई का काला मुंह दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाई हर जगह पर, मैं आपको कितनी बार बताओ यार। शाउट आउट टू लातूरी ब्रांड, अविश्वसनीय अस्मरणीय भाई, किसने एडिट किया ये? देखो जो भी किया बहुत बुरा किया, बाकी मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है इसके ऊपर। ओके बिरोज अनादर मराठी मेम, माझं लग्न जरी झालं असलं तरी अधूनमधून येत जाईल भेटायला, चालेल तुला? आवडेल मला। ओके, तो इसका अर्थ ये है कि मेरी शादी अगर हुई भी है तो भी मैं आपको मिलने आ जाया करूँगी बीच बीच में। ओके, एंड उसके ऊपर सलमान सेठ बोल रहे हैं कि आपको चलेगा, मतलब तुमको चलेगा, उसके ऊपर इतना बोल रहे कि हो मुझे पसंद आएगा, अच्छा लगेगा मुझे। ओके, नेक्स्ट लेवल एडिटिंग एंड नेक्स्ट लेवल मैम, बाय द वे नाइस मैम। शाउट आउट टू रैंडम शान बना, हम खुश थे लेकिन हमसे ज़्यादा खुश दो और लोग थे। यस, ये वाला क्यों खुश ना हो गए? क्योंकि इनके दुख, सॉरी, इनके दिल का थोड़ा सा दुख जो है वो कम हुआ। चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ। देखो कितने प्यार से दोनों गले मिल रहे हैं, कितना चाहते हैं एक दूसरे को, आखिर में लड़की उसे मिली जिसे वो चाहती थी। अबे इसकी माँ का ये बात क्या कर रहा है? तू बात कर रहा है ये? अरे तू बोल रहा है ये सब? क्या बोलूँ क्या बोलूँ, जब लड़की नहीं मिली तो यही बोलना पड़ेगा ना। ओए, पता लगा ना हनीमून के लिए कहाँ जा रही है? भाई हनीमून, ठीक है इन वाहियातों के थोबड़े तो देखो। बाय द वे सच अ एक्सलेंट अश्लील एक्टिंग। ओके, सारे मेम्स खत्म हुए एंड आज का वीडियो भी इसी के साथ यहाँ पर खत्म होता है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड मेरा मूड बहुत ही ऑफ था, फिर भी मैंने अच्छा मूड होने का नाटक करके आज का मेम रिव्यू जो था वो किया, एंड हो गया भाई। चलो ठीक है, बाय।